तो ओमनीसेंशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति आप मेरे द्वारा दिए गए जो वीडियोस होते हैं उससे अगर बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं बेनिफिट्स पहुंचा पा रहा हूँ। तो चलिए, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रबोध कार्यक्रम, जो कि न सिर्फ हिंदी बल्कि आपको मैं उसी के माध्यम से इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है इंग्लिश को सीख लिया जा सकता है और अपने जीवन में उतारा जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर 3 से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि पहले भी आपने वीडियो देखा ही होगा, नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है एक सेंटेंस बनाना है सर कि मेरा पता मालूम है। अब भाई पता किसको मालूम हो सकता है, किसी व्यक्ति को मालूम हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं कि राम, ठीक है, राम को मेरा पता मालूम है। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? भास्कर को गिटार आती है, या भास्कर को गाना, मतलब भास्कर को सितार आती है, या गिटार ही मैं लिखता हूँ ताकि समझ में आए, गिटार आती है। वे खाना बनाना जानते हैं, वे खाना बनाना बनाना जानते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन। जैसे डॉक्टर रत्ना, वे, नेहा, गणेश, इसको किस तरह से भरेंगे पहले देखिए। तो डक मान लीजिए कहीं भी भर सकते हैं, यहाँ क्रिकेट मैच देख रहा है, कौन देख रहा है, अब बोल सकते हैं आप गणेश, ठीक है, गणेश गणेश क्रिकेट मैच देख रहा है, कार चलाना सीख रही है, रही है, यानी कि नेहा हो जाएगा, नेहा कार चलाना सीख रही है। डॉक्टर वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, बहुवचन में है तो वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, और ऑपरेशन कर रही है, डॉक्टर डॉक्टर ही ऑपरेशन करता है ना, यहाँ लिखेंगे डॉक्टर रत्ना, है ना, डॉक्टर रत्ना ऑपरेशन कर रही है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स है उसको भी लेंगे, लेकिन पहले इतना दोस्तों, अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि गणेश क्रिकेट मैच देख रहा है, हम लोग बोलते हैं नेहा कार चलाना सीख रही है, वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, डॉक्टर रत्ना ऑपरेशन कर रही है, कैसे बोलेंगे? राम को मेरा पता मालूम है बोलते हैं हम लोग, राम को मेरा पता मालूम है, भास्कर गिटार आती है, वे खाना बनाना जानते हैं, कैसे बोलेंगे? चलिए मैं बताता हूँ वापस। दोस्तों पहला सेंटेंस है, राम को मेरा पता मालूम है। दोस्तों इस तरह लिखेंगे कि राम को मेरा पता मालूम है। देखिए सेंटेंसेस अगर कंटिन्यूअस के रहते हैं तो किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, अगर नहीं है तो भी, जैसे या तो कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस चल रहा है जैसे रहा रही वगैरह, जैसे राम को मेरा पता मालूम है, तो जनरली इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि राम को, राम राम नोज, राम राम नोज माई एड्रेस, राम नोज माई एड्रेस, माई राम नोज माई एड्रेस, राम को मेरा पता मालूम है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरह से लिखते हैं कि राम को मेरा पता मालूम रहा है, तो थोड़ा अजीब लगता है, सेंटेंस यहाँ बन नहीं रहा। तो नेक्स्ट में हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलिए एक बार देख लेते हैं, तो सेंटेंस जो है इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि इस तरह में सेंटेंस नहीं सेट हो रहे हैं कि राम को पता मालूम रहा है, ऐसे तो बोल नहीं सकते, राम को मेरा पता मालूम है, तो आपको ऐसे बोलना है, राम नोज माई एड्रेस, राम नोज माई एड्रेस। नेक्स्ट जो है कि भास्कर को गिटार आती है का मतलब कि कम नहीं होगा, मतलब जानता है, भास्कर गिटार बजाना जानता है, तो लिखेंगे इस तरह से। पहले स्पेलिंग भी लिखना सीखना होगा, इनको नहीं लिखने आता है कि भाई नाम कैसे लिख सकते हैं, तो भास्कर, ठीक है, भास्कर, यहाँ भी नोज हो जाएगा, भास्कर नोज गिटार, भास्कर नोज गिटार, भास्कर नोज गिटार, यानी कि भास्कर को गिटार आती है, ठीक है, आती है मतलब बजाना आती है। अच्छा, वे खाना बनाना जानते हैं, वे खाना बनाना जानते हैं, दे नो हाउ टू मतलब जानते हैं का मतलब देखिए देखिए यहाँ पर कि वे खाना बनाना जानते हैं, कोई इस तरह से बोलेंगे कि दे नो, ठीक है, याद रखिएगा, दे
दे नो, इसी को आधार बनाकर तरह तरह के सेंटेंस को आपको बोलना सीखना है। कम से कम 20-20 सेंटेंस या एक सेंटेंस को 20 बार बोलिए। दे नो हाउ टू कुक, हाउ टू कुक, उसे खाना बनाना, वे खाना बनाना जानते हैं। तो समझ रहे हाउ टू किस तरह से बोलना है। दे नो, बस इतना बोलो, दे नो हाउ टू कुक, उसे मतलब वे खाना बनाना जानते हैं। नेक्स्ट जो है तो फिर इन द ब्लैंक्स में यूजिंग द गिवन वर्ड्स, या द वर्ड्स ये उसके अनुसार है। गणेश क्रिकेट मैच देख रहा है। अब देखिए कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और कंटिन्यूअस सेंटेंस में आईएनजी जोड़ते हैं, याद रखेंगे। जैसे गणेश लिखेंगे, गणेश यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह बच सके। गणेश इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान में बात हो रहा है। गणेश इज वॉचिंग द क्रिकेट मैच, वॉचिंग द क्रिकेट मैच, गणेश इज वॉचिंग द क्रिकेट मैच, गणेश क्रिकेट मैच देख रहा है। नेहा कार चलाना सीख रही, यानी सी इज लर्निंग, इस तरह लिखेंगे, she is learning to drive a car, कार ड्राइव करते हैं तो लिखना होगा टू ड्राइव ए कार, सी इज लर्निंग टू ड्राइव ए कार। डॉक्टर वे उपन्यास पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे they are reading, ठीक है, they are reading a novel, ठीक है, they are reading a novel। डॉक्टर रत्ना ऑपरेशन कर रही है, डॉक्टर रत्ना तो लिखेंगे इस तरह से, डॉक्टर शॉर्ट में लिखेंगे डॉक्टर रत्ना is doing the operation। डॉक्टर रत्ना इज डूइंग द ऑपरेशन। दोस्तों अब फिर से देखिए इसे, राम को मेरा पता मालूम है, राम नोज माय एड्रेस। भास्कर को गिटार आती है, आप बदल सकते हैं नाम और ये जो भी है, आप जो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसमें कुछ और भी रख सकते हैं। तो भास्कर नोज गिटार, वे खाना बनाना जानते हैं, दे नो हाउ टू कुक। फिर देखिए गणेश क्रिकेट मैच देख रहा है, गणेश इज वॉचिंग द क्रिकेट मैच, नेहा कार चलाना सीख रही है, शी इज लर्निंग द ड्राइव अ कार। मान लीजिए मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, ऐसे बोलना है, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, तो बोलेंगे आप बोलेंगे इस तरह से कि I am learning to drive a car। सीधा मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, I am learning to drive a car। नेक्स्ट है तो उपन्यास पढ़ रहे, they are reading a novel। अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो I am reading a novel। He is reading a novel। She is reading a novel। राम इज रीडिंग अ नॉवल, है ना, कई तरह सेंटेंस बन गए। डॉक्टर रत्ना ऑपरेशन कर रही, डॉक्टर रत्ना इज डूइंग द ऑपरेशन, डॉक्टर रत्ना इज डूइंग द ऑपरेशन, चेंज कर सकते हैं, है ना। अब चलिए आगे के सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसे देखिए, इसको भी ले लेते हैं, हाँ ये आ गया नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, काम है फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन बिलो। अब यहाँ देखिए करेक्ट फॉर्म दे रहे हैं, या एक फिल तो हिंदी में कहा जा रहा है ना, लेकिन हम लोग इसे हिंदी में इंग्लिश में भी करके देखेंगे। जैसे तुम आजकल कहाँ रहे हो, है ना, कहाँ रहते हो, है ना, गिवन वर्ड कहाँ, तुम आजकल कहाँ रहते हो, यही लेंगे रहते हो, तुम आजकल कहाँ रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप कल दौरे पर जा रहे हैं, या रहे हैं। नेक्स्ट है, हम लोग इस समय नया पाठ्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है, बना
रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीमती आशापूर्णा देवी नया उपन्यास लिख रही है, लिख रही है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर एक्सरसाइज थ्री में चलेंगे कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ब गिवन ब्रैकेट्स यूजिंग रहा रही रहे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ है ना, मैं किताब पढ़ रही हूँ नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ब गिवन इज ब्रैकेट्स यूजिंग, तो रहा रही से ही बनाना है। मैं तो यहाँ पर यहाँ बना दिया गया है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी, तो आपको समझ लेना है, एग्जाम्पल दिया गया था कि इसको कंप्लीट करना जो कर दिया गया। नंबर वन, जॉन इन दिनों हिंदी भाषा सीख रहा है, ठीक है, सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेंटेंस, मैं इस समय टीवी सीरियल देख रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ। हम ओडियन में फिल्म देख रहे हैं, हम ओडियन में फिल्म देखने जा रहे हैं, सॉरी देखने जा रहे हैं, तो इसको पहले हम लोग को इरेज कर देना होगा ताकि अच्छे से दिख सके। जा रहे, क्योंकि जाना लिखा हुआ है इसलिए जा रहे, ठीक है। आप इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए अब इन सब सेंटेंस को जो है किस तरह से हम लोग बोलेंगे इसको देखिए, और क्या आप इसी तरह से बोलते हैं या नहीं, मुझे जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, रहते हो नहीं हो, रह रहे हो, ठीक है, तो या रहते हो भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूअस से बात करना है तो इस तरह से बोलेंगे। तो कहाँ, जैसे कहाँ आ गया वर्ड, तो इसका मतलब कि डब्ल्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेयर, ठीक है, या बोलेंगे वेयर, वेयर आर यू, वेयर सॉरी यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा, और वाई ओ यू, वेयर आर यू स्टेइंग नाउडेज, वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग नाउडेज, या दिस डेज, नहीं नाउडेज कर लेते आजकल है, नाउ डेज, ठीक है, इसको 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए। तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग नाउडेज, 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 ठीक है, वेयर आर यू स्टेइंग नाउडेज। क्या आप कल दौरे पर जा रहे हैं, कल, तो देखिए आप यानी कि आपका मतलब होता है यू, है ना, आई एन तुम, तो इस तरह से बोलेंगे आर आर यू, आर यू, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू, क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू, आज सॉरी क्या आप कल, है ना, आर यू गोइंग टू टू टूअर, है ना, टूअर, आर यू गोइंग टू टूअर टुमारो, इसका मतलब हुआ क्या आप कल दौरे पर जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू टूअर टुमारो, क्या आप कल जो है दौरे पर जा रहे हैं, क्या आप कल दौरे पर जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू टूअर टुमारो, ठीक है। हम लोग इस समय नया पाठ्यक्रम बना रहे हैं, हम लोग इस समय नया पाठ्यक्रम बना रहे हैं, हम लोग, तो बोलेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, वी आर, वी वी आर करेंटली प्रिपेयरिंग, है ना, इस समय वी आर, या ऐसे बोल सकते हैं वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग न्यू सिलेबस, ठीक है, न्यू सिलेबस, वी आर प्रिपेयरिंग न्यू सिलेबस दिस टाइम, है ना, दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम, इस तरह से हो जाएगा, वी आर प्रिपेयरिंग न्यू सिलेबस दिस टाइम, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग न्यू सिलेबस दिस टाइम। श्रीमती आशापूर्णा देवी
नया उपन्यास लिख रही है। अब यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा, आपको समझ लेना है, श्रीमती, तो यहाँ से लिखेंगे, एक्चुअली बहुत बड़ी राइटर भी है, श्रीमती आशा पूर्णा देवी, ठीक है, आशा, आशा पूर्णा, ASHA PURNA, आशा पूर्णा देवी, DEVI, देवी 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 इज राइटिंग, देवी इज राइटिंग अ न्यू नॉवेल। कैसे बोलेंगे, श्रीमती आशा पूर्णा देवी, श्रीमती आशा पूर्णा देवी इज राइटिंग अ न्यू नॉवेल, श्रीमती आशा पूर्णा देवी इज राइटिंग अ न्यू नॉवेल। हो गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। ये हो गया, जॉन इन दिनों हिंदी भाषा सीख रहा है, जॉन, ठीक है, जॉन इन दिनों हिंदी भाषा सीख रहा है, तो बोलना है जॉन इज लर्निंग, सीख रहा है, जब भी आ जाए तो सीधा बोलना है। तो देखिए यहाँ से लिखता हूँ मैं, JHONE, ठीक है, जॉन, इस तरह से नहीं लिखेंगे, JO, इस तरह से लिखना है, ठीक है, जॉन नहीं, इस तरह से लिखेंगे, जॉन इज लर्निंग, जॉन इज लर्निंग क्या इन दिनों हिंदी भाषी का, जॉन इज लर्निंग हिंदी लैंग्वेज, जॉन इज लर्निंग हिंदी लैंग्वेज दीज डेज, है ना, दीज डेज। हो गया, मैं इस समय टीवी पर सीरियल देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग सीरियल ऑन टीवी, ठीक है, टीवी एट द मोमेंट, इस तरह से बोलना है, I am watching a serial on TV at the moment लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा, at the moment I am watching a serial on TV at the moment। हम ऑडियन में फिल्म देखने जा रहे हैं, ऑडियन कुछ जगह है, फिल्म का थिएटर है, हम, तो इस तरह से बोलना है, we are going to see a movie at the Odeon, ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों तरह से, तो we are going to see a movie, watch बोल सकते हैं, we are going to see a movie at the Odeon, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ तक रखते हैं, at the Odeon। अब देखिए, आप इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो बोलेंगे इस तरह से, you are playing cricket at moment,
at moment. पद्मा इन दिनों चित्रकारी कर रही है ना, चित्रकारी कर रही है मतलब कि पेंटिंग है ना, पेंटिंग में चित्रकारी, तो बोलना है इस तरह से लिखना है, ये आप समझ लीजिए, पद्मा पद्मा इज पेंटिंग, पद्मा इज पेंटिंग यानी चित्रकारी करिए, पद्मा इज पेंटिंग नाउ अ डेज या दिस डेज, ठीक है, दिस सिंपल सिम दिस डे, दीपक इस समय संगीत सुन रहा है, ठीक है, सुन रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सुन रहा है, लिखेंगे इस तरह से, दीपक 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 इज दीपक इज दीपक इज लिसनिंग, ठीक है, दीपक इज लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ, टू सॉन्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन म्यूजिक बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, टू म्यूजिक राइट नाउ, राइट नाउ, यहां तक तो आ गया दोस्तों हम लोग दीपक तक, ठीक है, अब दो सेंटेंस और बचते हैं और दो सेंटेंस को मैं अगले वीडियोस में कंप्लीट करूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा कंटिन्यूस देखने का मौका मिले और आगे के एक्सरसाइज भी आप देखेंगे। देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, जॉन इन दिनों हिंदी भाषा सीख रहा है, जॉन इज लर्निंग हिंदी लैंग्वेज दीज डेज, मैं इस समय टीवी पर सीरियल देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग अ सीरियल ऑन टीवी एट द मोमेंट, हम ओडियन में फिल्म देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी अ मूवी एट द ओडियन, आप इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एट द मोमेंट, पद्मा इन दिनों चित्रकारी कर रही है, पद्मा इज पेंटिंग है ना, बस सिंपल, पद्मा इज पेंटिंग नाउ डेज या दिस डेज, दीपक इस समय संगीत सुन रहा है, दीपक इज लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ, दीपक इज लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ, दोस्तों इसी तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करना है बोलने का, और बोलते बोलते 100% में बताओ कि इस समय बने रहेंगे तो दिमाग आपका खुलेगा, बहुत खुलने वाला है आगे आने वाले समय में। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।